एक भिखारी दुकान के बाहर सो रहा था। दुकानदार जब अपना दुकान खोलता है तो उसकी नजर भिखारी पर पड़ती है। वह उस पर एक बाल्टी पानी फेंक देता है और गुस्से से उस पर चिल्लाता है, भागो यहाँ से। भिखारी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब दुकानदार अपना दुकान खोलता है, वह भिखारी वहीं सो रहा होता है। दुकानदार उसे उठाने की कोशिश करता है। दुकानदार स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर भिखारी भी स्माइल करता है। दुकानदार गुस्से में उसे बोलता है, क्या बकवास है, तुम मुस्कुरा रहे हो। फिर वह उसे वहाँ से भगा देता है। भिखारी डस्टबिन में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है। वह दुकानदार खाना खा रहा होता है तो भिखारी इशारे से उसे खाना मांगता है। दुकानदार को गुस्सा आ जाता है, वह उसे डांटकर भगा देता है। अगले दिन जब दुकानदार अपना दुकान खोलता है तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वह गुस्से में भिखारी को एक लात मारता है और चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ टॉयलेट करने की। भिखारी बेचारा बहुत डर जाता है, फिर वह वहाँ से चला जाता है। दुकानदार की बेटी बोलती है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। अगले दिन जब दुकानदार अपना दुकान खोलता है, भिखारी वहाँ नहीं होता है। अगले दिन फिर वह दुकान खोलता है, भिखारी वहाँ नहीं होता है। फिर वह उसे इधर उधर देखता है। बगल की दुकान वाली महिला बोलती है कि तुम उसे ही ढूंढ रहे हो ना, वो अब नहीं आएगा, वो बहुत दूर चला गया है। फिर उसकी नजर दुकान में लगे सीसीटीवी पर पड़ती है। वह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करता है। वह देखता है कि भिखारी कैसे रात में उसकी दुकान की रक्षा करता है, एक शराबी नशे की हालत में उसकी दुकान के बाहर टॉयलेट कर देता है। भिखारी जब यह देखता है तो वह उसे वहाँ से भगा देता है। दुकानदार को अब पछतावा होता है कि उसने भिखारी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर वह देखता है कि एक रात उस चोर चोरी के इरादे से आते हैं। जब भिखारी उन्हें देखता है तो वह उनसे भिड़ जाता है। चोर उस पर हमला कर देते हैं। वह पूरी हिम्मत के साथ उन्हें भगाने की कोशिश करता है, तभी एक चोर चाकू से उस पर हमला कर देता है। चाकू लगने के बाद बेचारा वह वहीं गिर जाता है। तभी चोर की नजर दुकान में लगे सीसीटीवी पर पड़ती है, फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं। यह सब देख दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मन ही मन पछता रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।